हेलो एंड वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स ने आज ज़बरदस्त मैच जीता है और सबसे बड़ी जो पारी रही यशस्वी जायसवाल की, मात्र 13 बॉल में ज़बरदस्त 50 उन्होंने बनाई। कोलकाता ने 149 रन बनाए 20 ओवर में, उसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 13.1 ओवर में ही 151 रन बनाकर स्कोर चेस कर लिया। संजू सैमसन ने जहां 48 रन बनाए, 5 ज़बरदस्त छक्के मारे, वहीं यशस्वी जायसवाल ने मात्र 47 बॉल में 98 रन स्कोर किए। 5 ज़बरदस्त छक्के थे, 13 ज़बरदस्त चौके थे, लेकिन अपने शतक से मात्र 2 रन से वो चूक गए। जब उन्होंने आखिरी बॉल पर शॉट मारा, वो चौका गया, सिक्स नहीं लगा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सेलिब्रेशन शतक की तरह ही किया और एक तरीके से टीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स टीम अब रन रेट काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी हो चुकी है। मात्र 13.1 ओवर में ही मैच जीता यशस्वी जायसवाल ने। आईपीएल की सबसे तेज 50 मारने का रिकॉर्ड बनाया है। मात्र 13 बॉल में 50 रन उन्होंने बनाए, जो कि आईपीएल में फास्टेस्ट 50 है और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। यशस्वी जायसवाल एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। फर्स्ट क्लास में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रन बनाए हैं, 200 भी बनाए हैं, और आईपीएल में इस बार तो ज़बरदस्त खेल रहे हैं वो। और जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने बैटिंग करी है, राजस्थान रॉयल्स खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक टीम इस बार मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाज जिनको इंडियन टीम में भी बहुत जल्द मौका मिलना चाहिए, और यशस्वी जायसवाल शायद जिस तरीके से खेल रहे हैं, बहुत जल्द आप इनको ब्लू जर्सी में भी खेलते हुए देख सकते हैं। ये पिंक जर्सी, ब्लू जर्सी यानी कि टीम इंडिया की जर्सी में भी बहुत जल्द आपको बदलती हुई दिखाई देगी। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त, और जिस तरीके से उनका जो शॉट सिलेक्शन रहा, जिस तरीके से उनकी चारों तरफ उन्होंने जो बैटिंग करी, ज़बरदस्त शॉट सिलेक्शन, ज़बरदस्त टाइमिंग। बाकी की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए जयपुर वॉइस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।